असलकम क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के हम लोग अभी अपने रिव्यू सेशन के ही मदल में हैं हम इससे पहले आ, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिव्यू कर चुके हैं हम सेट्स नंबर्स कॉम्प्लैक्स नंबर्स और फंक्शन इससे पहले हम रिव्यू कर चुके हैं आज हम रिव्यू करेंगे मेट्रसीज़ और डिटर्मिन जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हम पहले मेट्रिस के बारे में पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लें और फिर जैसे हमने रिव्यू पिछले रिव्यूज़ किए थे कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो भी बेसिकली गेट इनटू दी अपने हाथ जरा गंदे करते हैं उसमें घुस के और उनको सॉल्व करते हैं इसी तरह से मैथ सीखा जाता है तो डेफिनेशंस मेट्रिस की हैं मेट्रिस हमको याद है कि कोई भी टेबल और फॉर्म ऑर्डर फॉर्म में हो जिसमें टेबल फॉर्म में हो देर इज़ अ मेट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होते हैं उसको एक मेट्रिक्स कहलाते हैं हमने मेट्रिस को ऐड करना सब करना सीखा दो मेट्रिस को हम ऐड किस्मत कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर बराबर हों ऑर्डर मेट्रिस का क्या होता है अगर आपको याद हो दी ऑर्डर ऑफ आ मेट्रिक्स इज़ द नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम तो m बाई n मेट्रिक्स मीन्स m रोज एन n कॉलम्स तो so, अगर दो मेट्रिस के ऑर्डर बराबर हों तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक कर सकते हैं इसी तरह हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं किसी मेट्रिक्स में हम एक कॉन्स्टेंट नंबर से थ्रू आउट द मेट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम दो मेट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर हमारे पास एक मेट्रिक्स है एट एंड इट हैज़ ऑर्डर एम बाई एन एंड बी ऑर्डर आर बाई एस देन आई कैन मल्टीप्लाई एंड फॉर्म द न्यू मेट्रिक्स कॉल ए टाइम्स बी ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए विच इज एन एंड द नंबर ऑफ रोज इन बी विच इज आर इफ सेम देन आई कैन मल्टीप्लाई ए टाइम्स बी अदरवाइज ए टाइम्स बी इज़ नॉट पॉसिबल एंड दर्डर ऑफ ए टाइम्स बी इज गी एम टाइम्स एस द नंबर ऑफ रोज इन ए टाइम्स बाई द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी ऑल्सो एम ए बी इज नॉट नेसेरली इक्वल टू बी एनि कि जो नंबर्स में हमने देखा था कि मल्टीप्लीकेशन का म्यूट करती है मेट्रिस में ये नहीं होता ए टाइम्स बी इज़ नॉट इक्वल टू बी टाइम्स ए Uh, उसके बाद हमने इनवर्स मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट सीखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए अगर इफ ए टाइम्स बी इज इक्वल टू बी टाइम्स ए इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन वी से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए और उसको हम डिनोट करते हैं बी इज इक्वल टू ए और उसके ऊपर माइनस वन लिख देते हैं आइडेंटिटी मेट्रिक्स रिकॉल करें एक स्क्वेयर मेट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगनल पे वंस होती हैं सारे और बाकी हर जगह जीरो होती है एंट्री इनको हमने इस्तेमाल कैसे किया था मेट्रिस को जो मेजर एप्लीकेशन हम स्टडी कर रहे हैं इस कोर्स में वो है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन्स सेवरल वेरिएबल सेवरल अन सेवरल इक्वेजन्स उनको हम कैसे मेट्रिस के जरिए सॉल्व करते हैं तो हमने देखा था कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स हो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स उसको हम मेट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेट्रिक्स इट इज द ऑफ ऑल द यानी कि जो भी आपके कोफिशन है सपोज और z है, तो इक्वेजन में जो उनके कोफिश है उनको हम मेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं मेट्रिक्स ए द मेट्रिक्स ऑफ द कोफिश एक्स इज द मेट्रिक ऑफ द वेरिएबल ये एक पूरा कॉलम वैक्टर सा आ जाता है या कॉलम मेट्रिक्स कह लें आप इसको इसमें सारे जो वेरिएबल्स हैं वो आ जाते हैं एक्स वाई जेड आ जाएगा इसमें और इक्वल टू बी बी इज ऑल द कॉन्स्टेंट टर्म्स जब भी आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेजन सॉल्व करते हैं तो उसमें इक्वल के दूसरी साइड पे कुछ कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं तो उन कॉन्स्टेंट नंबर को हम एक कॉलम में अरेंज करके उनका मेट्रिक्स बना लेते हैं उसको हम कहते हैं मेट्रिक्स बी तो जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेजन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं तो हम उसको फिर कैसे सॉल्व करते हैं अगर हमको ए इनवर्स निकालना आ जाए इफ यू नो हाउ टू फाइंड ए इनवर्स तो उस सिस्टम का एक सोलूशन निकल आता है यानी कि हम ए एक्स इक्वल टू बी को दोनों साइड से ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स टाइम ए हो जाएगा वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और एक्स उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेट्रिक एक्स सो लेफ्ट साइड पे आपके खाली एक्स आ जाएगा राइट right साइड पे आपका आएगा ए इनवर्स बी तो एक्स की वैल्यूज आपकी आ जाएंगी इस तरह से ए इनवर्स बी करके अगर ए का इनवर्स आपको निकालना आ, आता हो हमने देखा था इनवर्स काफ़ी इन्वॉल्व है और उसके मुख्तु तरीके हमने सीखे थे लेकिन एक और तरीका है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए इनवर्स निकाले बगैर एक सिस्टम ऑफ इक्वेजन को सॉल्व कर सकते हैं असल गोल हमारा उस सिस्टम ऑफ इक्वेजन को सॉल्व करना है उसके लिए हमने आ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीखे थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगेन रिकॉल करें क्या होते हैं यानी कि अगर हमारा कोई भी सिस्टम है तो हम किसी रो को अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होता इसी तरह अगर हम एक रो को लेके उसका मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड या सब करेंगे उससे भी सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तीसरा यह है कि अगर हम रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें तब भी सिस्टम वही रहेगा तो इन तीन ऑपरेशंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और इनको इस्तेमाल करते हुए हम अक्सर मेट्री को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उससे हमारा सोल्यूशन निकल आता है वो कैसे हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर ए एक्स इक्वल टू बी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं विच इज ए बी दैर इज कॉल्ड देंटेड मेट्रिक ऑफ द सिस्टम और वो फॉर्म ऐसे होता है कि ए मेट्रिक्स की सारी वैल्यूज आपने लिख ली उसके बाद जो बी हमारा कॉलम आया था उसको हमने आखिर में उसके एडजॉइंट कर लिया तो ये एडजॉइन मेट्रिक्स आ गया अब यह होता है कि अगर उसका सिस्टम का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं कि हम इस एड मेट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के तहत एक एशलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में लिखते हैं अगर आपको याद हो एशलॉन फॉर्म क्या होती है जिसमें हर नॉन जीरो रो वन से स्टार्ट होती है इसके अलावा अगर नीचे की और रोज हैं जिनमें नॉन जीरो रो वन से स्टार्ट होती है तो उसका जो वन है जिसको हम लीडिंग वन कहते हैं इट इज फर्दर टू द राइट टू माई राइट फर्दर टू द राइट ऑफ द लीडिंग वन अबव एंड अगर उसमें जीरो रोज होती हैं तो वो मैट्रिक्स के एंड में आती है ये मैट्रिक्स एशलॉन मैट्रिक्स कहलाता है अच्छा इसके अलावा अगर एक चौथी प्रॉपर्टी हो वो ये हो कि जो भी हम जो लीडिंग वंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए उनके कॉलम्स में अगर हम देखें तो उन कॉलम्स में अगर बाकी सारी एंट्रीज उन वन के अलावा जीरो हो तो अगर दिस इज ट्रू फॉर ऑल लीडिंग वंस तो देन उस मैट्रिक्स हम कहते हैं रिड्यूस एशलॉन फॉर्म तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस एशलॉन फॉर्म के तहत सॉल्व करते हैं और उसके बाद हमें सोलूशन आ जाता है ए एक्स इक्वल टू बी का एक और तरीका यह है कि हम इनवर्स पता कर लें इनवर्स के एक तरीका यह है कि हम उसको ए को वही उसी मैट्रिक्स ए को ऑगमेंट करते हैं आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो अगर ए थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स है तो हम उसको ऑगमेंट करेंगे वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन थ्री बाय थ्री आइडेंटिटी मेट्रिक से और उसमें जो ए का पार्ट है हमारा गोल ये होता है कि रो ऑपरेशन के ज़रिए उस ए के पार्ट को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें ऑब्वियसली जो रो ऑपरेशन करेंगे वो पूरे मैट्रिक्स पे करेंगे तो होगा ये कि जब हम रो ऑपरेशन से ए के हिस्से को आइडेंटिटी बनाएंगे तो जो दूसरा हिस्सा था जो आइडेंटिटी था पहले दैट आउट टू टू बी बी हैपन्स द इनवर्स इनवर्स ऑफ ए निकालने का ये भी एक तरीका है अगर आप ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसका मतलब है उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता ये भी एक तरीका है तो अब हम जैसे हम पहले करते हैं हमने कुछ मैट्रिक्स की पूरी जो समरी थी वो एक आपके सामने पेश की अब हम उसको एक एग्जाम्पल में देख के उसका सोलूशन निकालते हैं कि कैसे करना है तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है इसमें आपको एक थ्री बाय थ्री सिस्टम दिया हुआ है टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एट एंड एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू थ्री तो पहले तो हमारा इसमें काम ये होगा कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसका सबसे पहले तो जो हमारा कोफिशन uh, मैट्रिक्स है ए उसको लिख लेते हैं ए क्या, क्या बन रहा है इसमें टू माइनस थ्री एंड माइनस वन टू थ्री एंड वन फिर आपका आ रहा है वन माइनस टू एंड थ्री ये आपका मैट्रिक्स ए आ गया आपका मैट्रिक्स एक्स जो है इसमें एक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स उसमें उसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई एंड जी ये वेरिएबल्स आ गए और बी जो है आपका मैट्रिक्स वो जो सा राइट साइड पे के कांस्टेंट्स आ रहे हैं उनका मैट्रिक्स बन जाएगा जीरो एट एंड थ्री तो पहला काम तो ये हुआ हमने इसको सिस्टम को लिख दिया ए एक्स अब द सेम सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी नेक्स्ट काम हम ये करेंगे इसको सोल्व करने के कि हम ए को बी से ऑगमेंट करेंगे रो ऑपरेशन को इस्तेमाल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम एक्स वाई जी को निकाल सकते हैं कि नहीं तो नेक्स्ट पेज पर हम उसको करते हैं एगमेंटेड विथ बी इज इक्वल टू टू माइनस थ्री माइनस वन और उसके आगे नीचे है टू थ्री वन और फिर उसके नीचे है वन माइनस टू एंड थ्री के साथ हमने ऑगमेंट करना है बी को जीरो एट और थ्री को यह हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया ए बी अच्छा इसके मुख्तलिफ तरीके हैं इसको रो रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं मैंने जो आपको इससे पहले तरीका दिखाया था उसमें दिखाया था कि आप जो पहली रो है उसको आप वट दिस नंबर उसको आपसे डिवाइड कर लें उसको पहला काम यह कि हमने यहां पर वन लाना है वो भी तरीके हैं और उसको फिर इस्तेमाल करते हुए आपने बाकी वैल्यूज को जीरो करना है लेकिन यहां पर हमारे पहले ऑलरेडी एक वन मौजूद है तो बजाय क्योंकि डिवाइड करने में होता है फिर फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कैलकुलेशन में तो इसमें हम ये करते हैं इस वन को ऊपर ले आते हैं ये हम कर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये इजाजत देते हैं यानी कि हमने क्या किया कि रो वन को रो थ्री से स्वाप कर लिया तो ये उसका सिंबल है आर वन थ्री यानी कि वन की जगह थ्री लिख दिया और थ्री की जगह वन लिख दिया जब ये हमने किया तो हमारा ये ऊपर आ जाएगा वन माइनस टू थ्री एंड थ्री दूसरी रो वैसे ही रहेगी टू थ्री वन एंड एट और तीसरी जो पहली रो थी वो अब तीसरी बन जाएगी टू माइनस थ्री माइनस वन एन जीरो तो हमारा यहां पर वन आ गया नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इस वन को हम इस्तेमाल करके बाकी दो को जीरो करेंगे वो कैसे आप कर सकते हैं हम अगर रो टू में से टू टाइम्स रो वन निकाल दें तो क्या हो जाएगा रो टू का ये वैल्यू इसमें टू टाइम्स वन निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगी इसी तरह इसको भी हम करेंगे पहले हम रो टू को कर लेते हैं पहली रो तो वैसे रहेगी वन माइनस टू थ्री एंड थ्री दूसरी रो में से टू माइनस टू टाइम्स वन इज जीरो थ्री माइनस टू टाइम्स माइनस टू माइनस टू टाइम्स माइनस टू विल बिकम फोर तो थ्री प्लस फोर विल बिकम सेवन वन माइनस टू टाइम्स थ्री इज टू टाइम्स थ्री इज सिक्स सो वन माइनस सिक्स इज माइनस फाइव एंड एट माइनस टू टाइम्स थ्री एट टू टाइम्स थ्री इज सिक्स एट माइनस सिक्स इज टू इसी तरह हम तीसरी रो को भी कर सकते हैं आर थ्री माइनस टू टाइम्स आर वन अगेन उसको भी जीरो करना है टू माइनस टू टाइम्स वन इज जीरो माइनस थ्री टाइम्स माइनस थ्री माइनस टू टाइम्स माइनस टू इज चविल बी वन माइनस वन माइनस टू टाइम्स थ्री इज माइनस वन माइनस सिक्स इज माइनस सेवन एंड जीरो माइनस टू टाइम्स थ्री जीरो माइनस सिक्स इज माइनस सिक्स तो यह हमारा मेट्रिक्स आ गया अभी ये हमने सिर्फ पहले कॉलम को एडजस्ट किया तो उसको मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूं हमने इसी तरह से

माइनस सेवन एंड माइनस सिक्स अब हम आते हैं दूसरे कॉलम में हमको याद है दूसरे कॉलम की दूसरी रो का जो ये एलिमेंट है इसको हमने वन करना है इसके भी अब दो तरीके हैं हम या तो इस पूरी रो को सेवन से डिवाइड कर दें तो ये वन हो जाएगा उसमें लेकिन ये होगा कि यहाँ माइनस फाइव ओवर सेवन हो जाएगा टू ओवर सेवन हो जाएगा यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएंगे विच वी कैन स्टिल डील विद लेकिन एक और तरीका ये है कि हमारे पास यहाँ वन मौजूद है उसके नीचे और आप देखिए उससे पहले जीरो है तो अगर हम दो, इन दोनों रोज को स्वाप करेंगे तो उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको हम इंटरचेंज करके यहां पे वन ला सकते हैं तो हम यहां पे करेंगे रो ऑपरेशन रो टू थ्री रो टू थ्री को आपस में बदल देंगे तो वो क्या बनेगा पहली रो वैसे रहेगी तीसरी रो दूसरी रो की जगह आएगी जीरो वन माइनस सेवन एंड माइनस सिक्स और तीसरी रो आ जाएगी दूसरी रो तीसरी रो बनेगी जीरो सेवन माइनस फाइव एंड टू अब हम इस वन को इस्तेमाल करके इस कॉलम की बाकी दो एंट्रीज को जीरो कर सकते हैं कैसे करेंगे पहले तो हम रो वन में से रो वन में टू टाइम्स रो टू ऐड कर देंगे टू टाइम्स वन इज टू उसको हम माइनस टू में ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा तो वन माइनस टू टाइम्स जीरो वन प्लस टू टाइम जीरो इज वन तो वन ही आएगा माइनस टू प्लस टू टाइम्स वन इज जीरो थ्री प्लस टू टाइम्स माइनस सेवन इज थ्री माइनस फोर्टीन थ्री माइनस फोर्टीन इज माइनस इलेवन

Minus seven times r uh, two. So zero minus seven times zero is zero. Seven minus seven times one is zero. Minus five times minus five minus seven times minus seven. What is minus seven times minus seven? That is plus forty nine. Plus forty nine minus forty uh, minus five is forty four. Forty nine minus five is forty four. it टू माइनस सेवन टाइम्स माइनस सिक्स माइनस सेवन टाइम्स माइनस सिक्स इज प्लस फोर्टी टू तो टू प्लस फोर्टी टू इज फोर्टी फोर यह हमारे पास आ गया आपने देखा हमने पहले दोनों कॉलम्स को एडजस्ट कर लिया अब आखिरी कॉलम बचा है. उसको हम लिख लेते हैं वन जीरो माइनस इलेवन एंड माइनस नाइन और फिर आपका आता है जीरो वन माइनस सेवन एंड माइनस सिक्स जीरो वन माइनस सेवन एंड माइनस सिक्स एंड देन वी हैव जीरो जीरो फोर्टी फोर एंड फोर्टी फोर जीरो जीरो फोर्टी फोर एंड फोर्टी फोर हम अभी तक डिवीजन से बचना चाहते थे लेकिन अब जब हम थर्ड कॉलम को करेंगे थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम ये एंट्री इसको वन बनाने का और कोई तरीका नहीं है कि हम उसको फोर्टी फोर से डिवाइड कर दें लेकिन वो एक सिंपल uh, सा बन जाएगा सो दिस इज वन ओवर फोर्टी फोर टाइम्स रो थ्री उसको जब हमने किया तो आपका आ गया वन जीरो माइनस इलेवन माइनस नाइन जीरो वन माइनस सेवन माइनस सिक्स और ये आपका आ गया जीरो जीरो वन वन अब आप इस वन को इस्तेमाल करके ऊपर की दो वैल्यूज को जीरो कर सकते हैं कैसे करेंगे आपका आएगा रो वन प्लस इलेवन टाइम्स रो थ्री पहली दो वैल्यूज तो नहीं चेंज होंगी वन जीरो माइनस इलेवन प्लस इलेवन टाइम्स वन इज जीरो माइनस नाइन प्लस इलेवन टाइम्स वन

माइनस सिक्स प्लस सेवन टाइम्स वन इज माइनस सिक्स प्लस सेवन इज वन एंड फिर आपका आ गया जीरो तो जीरो देखा कि हमने रो रिड्यूस किया इसको और यहां पर हमारे एक एशलॉन रिड्यूस एशलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आ गया लेफ्ट साइड पे तो जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो जो ये साइड की वैल्यूज आती है दीज आर आर सोल्यूशन सेट तो आप लिख सकते हैं एक्स

सेवन प्लस वन एट आ गया दैट इज ट्रू फिर टू माइनस टू जीरो प्लस थ्री इज थ्री थ्री आ गया तो आपने देख लिया वेरीफाई कर लिया कि ये तीनों आपके सोल्यूशन जो थे ये करेक्ट थे तो इसमें आपने देखा इस क्वेश्चन में कि हमने रो रिडक्शन को इस्तेमाल करते हुए एक सिस्टम ऑफ इक्वेजन का सोल्यूशन निकाला आप और भी तरीके हैं वो भी आप देख सकते हैं अगर इन्वर्स निकालना चाहें इन्वर्स के भी तरीके हमने आपको बताए हुए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट अब हम डिटर्मिनट्स विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रिस डिटर्मिनट्स को रिव्यू कर लेते हैं और उनका एक दो सवाल कर लेते हैं तो डिटर्मिनट्स को सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर होता है डिटर्मिनंट उसको एसोसिएट करते हैं इट इज एक्चुअली अ मैपिंग और अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने पहले देखा था सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनंट को उसको कैसे करते हैं उसको ये करते हैं कि जो आपके मेन डायगनल की एंट्रीज होती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो नीचे ऊपर से नीचे आ रहा होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से देते हैं द मल्टीपल ऑफ द सेकेंडरी डायगनल जो लेफ्ट के नीचे से राइट right के ऊपर जा रहा है उसका फॉर्मूला हमने आपको दिखा दिया है ए वन वन ए टू टू माइनस ए टू वन एन टू थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हमने देखा था कि उसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं यानी कि आप एक रो फिक्स कर लेंगे उसके बाद आप उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं उसका फॉर्मूला हमने दिया हुआ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का इस स्लाइड में आपको हमने पहले कॉलम से एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है कि कैसे करना है कैसे कर रहे हैं एक्सपेंड? उसमें अगर आप देखें कि पहली रो की पहली एंट्री हमने ली कॉलम की वो आ गई ए वन वन ए वन वन टाइम्स द को फैक्टर ऑफ ए वन वन ठीक है को फैक्टर ए वन वन का क्या है अगर आपको याद हो हमने माइनर्स की भी बात की थी को फैक्टर्स की भी बात की थी माइनर वो होता है कि अगर आपने एक वैल्यू ले ली ए वन वन तो उस वैल्यू का कॉलम और उस वैल्यू की रो को आप एलिमिनेट कर देते हैं और फिर जो आपका रिड्यूस्ड रो एंड कॉलम बनता है उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं दैट इज अ माइनर को फैक्टर सिंपली एक साइंड माइनर होता है उसमें हम ये करते हैं कि अगर तो ए की जो रोज है और कॉलम्स है उनका सम जो है आई प्लस आई प्लस जे का सम जो है वो इवन आ रहा है तो हम को फैक्टर इज इक्वल टू द माइनर लेकिन अगर उसका सम ऑड आ रहा है तो को फैक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनर ये डिफरेंस है तो ए वन वन क्योंकि वन प्लस वन टू होता है इसका सम इवन आ रहा है तो इसका को फैक्टर क्या होगा वो सिंपली इज इक्वल टू द माइनर ऑफ ए वन वन विच इज द डिटर्मिनेंट वी ऑबटेन आफ्टर एलिमिनेटिंग

टाइम्स टाइम्स माइनस ए टू वन टाइम्स माइनर ऑफ ए टू वन ए टू वन क्या है आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे और बाकी जो टू बाई टू मेट्रिक बचा है उसका डिटर्मिनेंट ले, ले लेंगे फिर इसी तरह तीसरा वन है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम एन उसमें आप थ्री प्लस वन इज फोर विच इज इवन तो द को फैक्टर ऑफ ए थ्री वन इज द सेम एज द माइनर ऑफ ए थ्री वन तो ए थ्री वन के माइनर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो so, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट का जैसे कि मैंने कहा कि हम किस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं आंसर वही आएगा हम इससे पहले एग्जाम्पल्स के देख चुके हैं प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की कुछ कि हम डिटर्मिनेंट को और सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं रो ऑपरेशन टाइप्स ही की प्रॉपर्टीज हैं जो मेट्रिस में थी डिटर्मिनेंट को वो हमारे लिए आसान बना देती है एक पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर आप एवरी रो ऑफ कॉलम या रो को किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्या असर ये होगा कि जो डिटर्मिनेंट है उसको पूरे कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी कि आपका पहले एक डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कुछ आ गई अब अगर आप उस डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें उसका इफेक्ट ये होगा कि पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई थी उसको उस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर किसी भी डिटर्मिनट में ऐसा हो कि पूरी रो या पूरी कॉलम में सिर्फ जीरो हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी अगर आप किसी भी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ये हो जाएगा इसी तरह अगर आप किसी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू अगर दो रोज एग्जैक्टली exactly सेम हो या दो कॉलम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है अगर हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से और उसको ऐड कर दें और सब्ट्रैक कर दें किसी और रो से तो उसका डिटर्मिनेंट पे कोई असर नहीं होता डिटर्मिनेंट का आंसर वही रहता है तो ये पांच प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की जिनको इस्तेमाल करके हम अपने डिटर्मिनेंट को जरा आसान बना सकते हैं और उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं तो हमने इस्तेमाल किया था डिटर्मिनेंट को इनवर्सिस को कैलकुलेट करने के लिए भी इनवर्सिस को कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था एड जॉइंट ऑफ द मेट्रिक्स तो आपका एक मेट्रिक्स है ए उसको आपने उसका इनवर्स निकालना है तो उसका पहले आप एड कैसे लेंगे ए इज एक्चुअली द ट्रांसपोज ऑफ ऑफ द द ए ट्रांसपोज ऑफ द the और द the ऑफ द the फैक्टर्स ऑफ ए यानी कि उसके ए के सारे आप को निकाल लेंगे ठीक है C11, C12, C13 सी वन so टू एंड सो ऑन. उनको हम अब एक मेट्रिक्स में डाल देते हैं उस मेट्रिक्स को उसका हम फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं जब उस मेट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उसके लिए हमने स्पेशल उसका नाम है उसको कहते हैं ऑफ ए एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया इस तरह से मेट्रिक्स का ए का उसके बाद आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया तो ए का इनवर्स जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये एक और तरीका है ए इनवर्स निकालने का थोड़ा सा लंबा तरीका है लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं डिटर्मिनट्स के साथ तो इसमें भी बड़ी तेजी के साथ आप इनवर्स निकाल सकते हैं इसके बाद हमने देखा था एक स्पेशल टेक्निक जो कि एक मैथमेटिशियन था क्रेमर उसने इजाद की ऑब्जर्वेशन थी उसकी उसने कहा कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेजन है टू बाई टू हो या थ्री बाय थ्री हो या फोर बाय फोर हो तो उसने एक स्पेशल रूल उसने इजाद किया उसने कहा इसको इस्तेमाल करके हम इजीली डिटर्मेंट्स को इस्तेमाल करते हुए और इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं तो फॉर एग्जांपल टू बाय टू सिस्टम में उसने क्या किया उसने कहा कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा x1 वन और एक्स टू यानी कि दीज आर द दू अनोज एक्स हो एक्स एक्स टू हो या एक्स और वाई हो तो उसको हम कहेंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू डेल्टा वन ओवर डेल्टा एंड एक्स टू इज इक्वल टू डेल्टा टू ओवर डेल्टा अभी डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा क्या है ये बेसिकली नोटेशन थी जो हमने ईजाद की ताकि हम सिंपली उसको रिप्रेजेंट करें डेल्टा इज जस्ट द डिटर्मिनेट ऑफ ए तो जो आपका मेट्रिक्स ऑफ द कोफिशंस है ए उसको आपने उसका डिटर्मिनेंट जो है उसको हम डेल्टा कह देते हैं अच्छा फिर हम क्या करते हैं कि उस डिटर्मिनेंट में से हम जो पहला कॉलम है ए का उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह जो बी का हमारा मेट्रिक्स आया था ना राइट right साइड पे उसके कॉलम वैल्यू उसमें डाल देते हैं और जब ये करके हम उस मेट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं उसको हम कहते हैं दैट इज डेल्टा वन डेल्टा टू क्या है डेल्टा टू बेसिकली सेम थिंग है ए आपने लिया पहले ए का नाम आप जो दूसरा कॉलम है उसको आपने उठा के रिमूव किया और बी की वैल्यू उसमें डाल दी और फिर उस मेट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लिया तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा टू तो क्रेमर ने ऑब्जर्व ये किया कि एक्स वन इज इक्वल टू डेल्टा वन ओवर डेल्टा एंड एक्स टू इज इक्वल टू डेल्टा टू ओवर डेल्टा टू बाई टू सिस्टम में यह है थ्री बाई थ्री सिस्टम में ऑब्वियसली थ्री होते हैं आपके एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री या एक्स वाई और जी आप कह लें उसके भी ये सॉल्यूशंस है डेल्टा वन ओवर डेल्टा इज एक्स वन डेल्टा टू ओवर डेल्टा इज एक्स टू एंड डेल्टा थ्री ओवर डेल्टा इज एक्स थ्री सेम आइडिया डेल्टा वन का वही है कि ए की पहली कॉलम निकाला बी से रिप्लेस किया डिटरमिनेंट ले लिया डेल्टा टू में ए का सेकंड कॉलम निकाला उसको बी से रिप्लेस किया फिर डिटर्मिनेंट ले लिया डेल्टा थ्री में थर्ड कॉलम निकाला उसको बी से रिप्लेस किया और उसका डिटर्मिनेट ले लिया ये तीनों डेल्टास निकाले और फिर एक का ओरिजिनल का एक डिटर्मिनेंट लिया तो उस तरह से आप तीनों की वैल्यूज ले सकते हैं अब हम इसको देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे आप क्रेमर रूल को इस्तेमाल करते हैं क्रेमर रूल में आप देखें हमको डिटर्मिनेट भी लेने पड़ते हैं तो उसके लिहाज से ये होगा कि इस एग्जाम्पल में आपको डिटर्मिनेंस को देखने की और लेने की भी आज पड़ जाएगी कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं और फिर क्रेमर रूल को भी आपको समझ आ जाएगा तो इस एग्जाम्पल को देखें टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो टू एट एंड एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू थ्री तो अगेन इसमें हमारा पहला काम क्या है हमारा पहला काम इसमें होगा इसको मेट्रिक्स एल बनाना देर इज द मेट्रिक्स ऑफ द कोफिश टू माइनस थ्री माइनस वन टू थ्री एंड वन वन माइनस टू एंड थ्री ये मैट्रिक्स ए आ गया आपका मैट्रिक्स एक्स जो है वो आपका आएगा एक्स वाई एंड जेड और मैट्रिक्स बी आपका आ जाएगा जीरो एट एंड थ्री अब हमने क्या करना है इसमें अगर हम डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री की वैल्यूज निकाल लें तो हमारा सिस्टम सॉल्व हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं पहले हम डेल्टा निकालेंगे विच इज द देंट ऑफ ए टू माइनस थ्री तो ये आपने लिख लिया डेल्टा इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अब हम इसको निकाल सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करके लेकिन जैसे जो हमने प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की सीखी हैं, उनको हम इस्तेमाल करके इसको जरा और सिंपल कर सकते हैं यानी कि अगर हम किसी रो या किसी कॉलम में जीरो को ले आएं, तो बड़ा अच्छा आसान हो जाएगा हमारे लिए कि उसको ज़ीरो लाना तो उसके लिए अगर एक तरीका तो ये है कि मैं किसी रो या कॉलम किसी इस कॉलम को ज़ीरो करूं दूसरा तरीका ये है अगर आप देखें टू माइनस थ्री माइनस वन है ऊपर की रो में और यहाँ पे टू थ्री और वन है ठीक है इनको अगर मैं ऐड कर लूंगा तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे और फिर मैं पहली रो से एक्सपेंड कर सकता हूँ तो क्विकली आपको अंदाज़ा हो गया कि आप इसमें क्या रो ऑपरेशन एक इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कर सकते हैं वो होगा रो वन प्लस रो टू आपने रो वन में रो टू को ऐड कर लिया तो टू प्लस टू फोर आ गया माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो आ गया माइनस वन प्लस वन जीरो आ गया और आपके नीचे टू थ्री वन वन माइनस टू एंड थ्री वैसे ही आ गया अब आप क्या कर सकते हैं आप कि पहली रो में दो जीरो आ गया पहली रो से एक्सपेंड कर लें so four, तो दिस इज इक्वल टू फोर क्योंकि ये ए वन वन है आप क्या करेंगे इसमें इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे और ये जो मैट्रिक्स बचा है इसका डिटरमिन लेंगे क्योंकि तो ए वन वन है वन प्लस वन इज टू इवन नंबर है तो इसके को में कोई साइन नेगेटिव नहीं लगेगा फोर टाइम्स दिटर्मिनेंट 3, 1, minus 2, and 3, which is equal to 4 times. 3 times 3 is 9. 9 minus, minus 2 times 1 is, remember there's a minus sign here. Minus 2 times 1 is minus 2. So 9 minus minus 2 is 9 plus 2, which is 11. 4 times 11 is 44. तो पहला तो हमारा ये आ गया कि डेल्टा आ गया डेल्टा की वैल्यू आ गई 44। अब हम डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री निकालेंगे डेल्टा वन के लिए जो पहली कॉलम की एंट्री है उसको हम रिप्लेस करेंगे जीरो एट थ्री से तो उसको करके देख लेते हैं डेल्टा वन जीरो एट थ्री और माइनस थ्री थ्री माइनस टू एंड देन वी है माइनस वन वन एंड थ्री अच्छा इसमें ऑलरेडी एक जीरो है लेकिन अगर आप चाहें क्योंकि आप इन दोनों वैल्यूज को बड़े आसानी से ऐड करके जीरो कर सकते हैं तो इसमें भी हम वही ऑपरेशन अगर लगाए रो वन प्लस रो टू तो क्या होगा जीरो प्लस एट एट आ गया माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो आ गया माइनस वन प्लस वन ये भी जीरो आ गया और फिर आपके एज एज यूज एट थ्री एंड वन थ्री माइनस टू एंड थ्री ये आपका आ गया अब इसमें आपने फिर पहली रो से इसको एक्सपेंड कर लें तो आपका आ गया दिस इज इक्वल टू एट पहली रो से आपने एक्सपेंड किया इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे so here is a determinant will 3 1 minus 2 and 3 which is equal to 8 times you get 3 times 3 is 9 minus 2 times 1 is minus 1 9 minus minus 1 will become sorry 9 minus minus 2 will become 9 plus 2 9 plus 2 is 11 11 times 8 is 88 तो आपके पास डेल्टा वन आ गया आपके पास डेल्टा आपने पहले निकाल लिया था फोर्टी फोर डेल्टा फोर्टी फोर आ गया डेल्टा वन आपके पास 88 एट आ गया तो आपको एक्स की वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वन ओवर डेल्टा अकॉर्डिंग टू द क्रेमर्स रूल विच इज इक्वल टू एटी एट ओवर फोर्टी फोर विच इज इक्वल टू टू तो x की वैल्यू हमने निकाल ली इस तरीके से इसी तरीके से अब हम y और z की वैल्यू भी निकालेंगे y के लिए हमको डेल्टा टू पता करना है उसमें क्या आएगा कि जो a की वैल्यू थी उसमें हम 083 को बजाय पहले कॉलम के दूसरे कॉलम में डाल देंगे तो 083 हमारे दूसरे कॉलम में आ जाएगा कॉलम एक का वैसे ही है माइनस वन वन एंड थ्री और पहला कॉलम जो था वो यहां से हम ले सकते हैं कि टू टू एंड वन अब टू हम निकालेंगे इसमें आप देख लें अगर इसमें क्या कर सकते हैं इसमें ऑलरेडी पहली रो में जीरो है एक जीरो मौजूद है तो उसमें और कुछ करने की मेरा ख्याल है जरूरत है नहीं उसको तो हम ऐसे ही ले लेंगे दिस इज इक्वल टू आप पहली रो से एक्सपेंड करें क्योंकि उसमें एक जीरो मौजूद है टू टाइम्स जब हमने लिया टू टाइम्स तो हमने पहले क्या करेंगे इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर लेंगे और क्योंकि पहली एंट्री है वन 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 प्लस वन इज इवन तो हमको इसको डिटर्मिनेंट को चेंज करने की साइन को जरूरत नहीं है तो को फैक्टर आ गया एट वन थ्री थ्री फिर जीरो तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे उसकी जरूरत ही नहीं है तीसरी एंट्री आ गई माइनस वन दिस इज थर्ड एंट्री इन द फर्स्ट रो सो वन प्लस थ्री इज फोर तो हमको इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है और अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसमें हम क्या करेंगे कि पहली रो और आखिरी कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट टू एट वन थ्री का डिटर्मिनेंट लेंगे 3 three. That is equal to two times twenty four, eight times three is twenty four, minus three times one is three, minus one, two times three is six, minus eight times one is eight, which is equal to two times twenty four minus three is twenty one. माइनस सिक्स माइनस एट इज माइनस टू माइनस टू टाइम्स माइनस वन इज प्लस टू ये आपका आ जाएगा फोर्टी टू प्लस टू इज फोर्टी फोर डेल्टा टू की वैल्यू आपकी आ गई फोर्टी फोर आपको डेल्टा की वैल्यू पता है आपको याद है देर इज फोर्टी सॉरी देर इज आल्सो फोर्टी फोर तो आपका आप आ गया एक्स टू इज इक्वल टू डेल्टा ओवर डेल्टा

डेल्टा थ्री के लिए हमें जो जीरो एट थ्री है उसको हम तीसरे कॉलम में डाल देंगे तो मैं अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा थ्री टू टू वन माइनस थ्री थ्री माइनस टू एंड जीरो एट थ्री तो मैं इसका आखिरी कॉलम मिटा के जीरो एट थ्री ये लिख देता हूँ तो ये हमारी डेल्टा वन इस तरह से निकल आएगा तो बेसिकली आपने क्या देखा कि ये हमने डेल्टा थ्री निकाल रहे हैं आप ये डेल्टा थ्री हो गया तो उसको हमने कैसे निकाला कि जो ए था उसकी आखिरी कॉलम की वैल्यू को बी से रिप्लेस कर दिया सो लेट स्टार्ट ये आपका क्या आएगा ये आपका आएगा टू हम पहले कॉलम से पहली रो से उसको एक्सपेंड कर रहे हैं आपका मेट्रिक्स क्या आ जाएगा ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो गए, तो आपका आ गया थ्री एट माइनस टू एंड थ्री पहला हो गया सेकंड में आप आएंगे तो आपका आ रहा है माइनस थ्री अच्छा ये क्योंकि पहली रो का सेकंड कॉलम है सो वन प्लस टू इज थ्री दैट इज एन ऑड नंबर तो जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस थ्री आ रहा था दिस विल बिकम प्लस थ्री और अब आप इस कॉलम और इस रो को जब एलिमिनेट करेंगे आपका बच्चे का टू एट वन थ्री एंड द थर्ड वैल्यू इज जीरो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको आप निकाल लेंगे देर इज इक्वल टू टू टाइम्स नाइन एट टाइम्स माइनस टू इज माइनस सिक्सटीन और जब हम नाइन माइनस माइनस सिक्सटीन करेंगे तो नाइन प्लस सिक्सटीन हो जाएगा plus three times three times two is six six minus eight times one is eight minus uh, eight plus six minus eight is so I have six minus eight nine plus sixteen twenty five plus two is twenty five times two is fifty and six minus eight is minus two times three is minus six which is also forty four. आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा थ्री की डेल्टा की वैल्यू हमको याद है फोर्टी फोर है तो इसका मतलब हुआ कि जेड की क्या वैल्यू आ गई जेड की वैल्यू आ गई डेल्टा थ्री ओवर डेल्टा विच इज फोर्टी फोर ओवर फोर्टी फोर विच इज इक्वल टू वन तो आपने इस तरह से देखा कि हमने क्रेमर्स रूल को इस्तेमाल करके और डिटर्मिनें की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके हमने कैसे एक सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस को सॉल्व किया एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाली अब इसी सिस्टम में मैं आपको दिखाता हूं कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे इस्तेमाल करके इनवर्स निकाल देते हैं तो हमें A, A का तो पता है इसी है इसी क्वेश्चन में आया अगर हम एड ज्वाइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं तो फिर हम ए का इनवर्स भी निकाल लेते हैं लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर फिगरिंग आउट द ऑफ दिस इज द मेट्रिक आई एम गोइंग टू टेक इट्स तो एड ज्वाइंट लेना है तो उस लेने के लिए क्या होगा इट इज द ट्रांसपोज ऑफ ऑफ द को फैक्टर्स तो इसका हम क्या लेंगे इसका हम पहले सारे को फैक्टर्स का मैट्रिक्स लेंगे उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा तो पहले हम लेंगे C11। C11, वन 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 है तो उसमें आपकी जो को फैक्टर है उसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा वट एवर द साइन इज इसमें क्या करेंगे कि आप टू लिखेंगे वन वन वैल्यू इज टू Times the determinant which is obtained by eliminating the first row and the first column. That is three, one, minus two, and three, which is two times nine minus minus two is nine plus two, which is eleven. So that is twenty-two up c one one. C 12 two c one two again, first row, second column. तो उसकी वैल्यू है माइनस थ्री लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि वन प्लस टू जो है वो थ्री है इट्स एन ऑड नंबर तो उसका साइन चेंज होगा सो दे बिकम प्लस थ्री टाइम्स द डिटर्मिनेंट आप क्या करेंगे इस कॉलम और इस रो को एलिमिनेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा टू वन वन थ्री का विच इज इक्वल टू थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स टू इज सिक्स सिक्स माइनस वन इज फाइव इज फिफ्टीन सी वन थ्री आप लेंगे अगेन इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि okay? इवन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो दे इज माइनस वन टाइम्स टू थ्री वन माइनस टू दैर इज इक्वल टू टू टाइम्स माइनस टू इज माइनस फोर माइनस फोर टाइम्स माइनस फोर माइनस थ्री इज माइनस सेवन और बाहर आपके वन है माइनस वन है तो माइनस वन टाइम्स माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवन सी वन थ्री आ गया आपका सी टू थ्री निकालेंगे सॉरी सी टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसमें साइन चेंज होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये टू है तो ये माइनस टू हो जाएगा और हम इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू एंड थ्री ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री टाइम्स माइनस थ्री इज माइनस नाइन एंड माइनस टू टाइम्स माइनस वन इज टू सो माइनस नाइन माइनस टू इज माइनस इलेवन विच इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वेंटी टू सी टू वन आ गया आपका सी uh, इसके बाद हम अगली कुछ वैल्यूज निकालेंगे उसके लिए मैं ए दोबारा लिख लेता हूं हमारा मैट्रिक्स था टू 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 वन माइनस थ्री थ्री माइनस टू एंड माइनस वन वन एंड थ्री हम अभी तक सी टू वन निकाल चुके हैं अब हम निकालेंगे सी टू टू सी टू टू क्या है

और इसको अगर हम निकाल लेंगे इसको निकालेंगे तो बचेगा टू माइनस थ्री एंड वन माइनस टू तो दिस इज माइनस वन टाइम्स माइनस फोर प्लस थ्री माइनस फोर प्लस थ्री हो जाएगा तो देर इज माइनस वन टाइम्स माइनस वन इज जस्ट प्लस वन देर इज सी टू थ्री सी थ्री वन आप निकाल लें this value that is one determinant third row ye, okay, even so sign change will yoga. so that will be minus three minus one three and one which is equal to one times minus three minus minus three what will zero will plus three will minus minus becomes plus that is equal to zero C three one is zero सी थ्री टू आ जाएगा सी थ्री टू इज फ्रॉम दिस माइनस टू लेकिन चौके ये थ्री टू है फाइव और है तो ये प्लस टू हो जाएगा और हम दिस और दिस कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे टू टू माइनस वन एंड वन ये आपका आ जाएगा टू टाइम्स टू minus minus 2 has become plus 2 so i have 4 times 2 i have 8 and finally we will is c3 33 c3 3, three apka 3 times the determinant of 2 minus 3 2 and 3 which is 3 times 6 minus minus 6 so 6 plus 6 is 12 विच थर्टी सिक्स तो आपने सारी वैल्यूज निकाल ली अब आप इसका को फैक्टर्स निकाल लेंगे मेट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर्स सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री एंड सो ऑन तो उसको हम निकाल लेते हैं तो आपका आ गया सी वन वन की वैल्यू क्या आ रही है ट्वेंटी टू सी वन टू की वैल्यू आ गई फिफ्टीन C13 की वैल्यू आ गई सेवन C21 की वैल्यू आ गई ट्वेंटी टू सी की वैल्यू आ गई ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन सी की वैल्यू आ गई वन C31 की वैल्यू जीरो C32 की वैल्यू आ गई एट एंड C33 की वैल्यू आ गई थर्टी सिक्स ये आपका मैट्रिक्स ऑफ द को फैक्टर्स आ गया अब एट ज्वाइंट ऑफ ए जो है दैर इज इक्वल टू द ट्रांसपोर्स ऑफ दिस मैट्रिक देर इज ट्वेंटी टू फिफ्टीन सेवन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन वन टी सिक्स और आपका ए इन्वर्स आ गया एट ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं फोर्टी फोर तो देर इज वन ओवर फोर्टी फोर टाइम्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू जीरो फिफ्टीन ट्वेंटी एट सेवन वन एंड थर्टी सिक्स तो यह हमने इन्वर्स निकाल लिया इसका तो आपने देखा आज हमने मैट्रिसेस को भी देखा और डिटरमिनेंट्स भी हमने देखे और उनकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ देखी और उनको देखा कि कैसे हम डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और इन्वर्स निकाल सकते हैं थैंक यू वेरी मच